Hi there. Are you looking for a good budget gaming smartphone? Well, I have a list of 3 such smartphones जिसके मैं आपको चिपसेट के बारे में बताऊंगी, प्रोसेसर के बारे में बताऊंगी और ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो और जान लेते हैं इन फीचर पैक स्मार्टफोन्स के बारे में जो अवेलेबल हैं अंडर 20,000 रुपीज। पहला जो स्मार्टफोन है वो है Realme Narzo 60X 5G और ये अवेलेबल है द प्राइस रेंज ऑफ 12,000 रुपीज। एक टाइम पे इस सेगमेंट में Redmi 12 5G काफी रूल कर रहा था, लेकिन Narzo 60X ने आते ही कमाल कर दिया। जान लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो इसमें आपको राउंड कैमरा पैनल मिलता है, कलर्ड बैक पैनल के साथ ही आपको मिल रहा है, बॉक्सी सा फ्रेम है जिसकी वजह से जो इन हैंड फील है वो काफी प्रीमियम आपको मिलने वाला है। हेडफोन जैक इसमें आपको मिलने वाला है, विच मीन्स अगर आपको हेडफोन लगा के गेम खेलने का मन है तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें 6.72 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, मतलब स्मूथनेस की कैटेगरी में भी ये फोन आपको अच्छा लगेगा। बैटरी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है विद 33 वॉट ऑफ सुपर फास्ट चार्जर और एफिशिएंसी की बात करें तो फॉर गुड 1-1.5 डे ये आपका यूज करने के बाद भी चल जाता है। चिपसेट की बात कर लेते हैं, इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 6100 Plus चिपसेट विच इज बेस्ड ऑन ऑक्टाकोर प्रोसेसर। तो मैंने इसमें दो गेम्स खेल के देखे और दोनों गेम्स को आप HD सेटिंग्स पर खेल सकते हो। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, हैव अ लुक। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फोन की। हमारा नेक्स्ट फोन है Infinix GT 10 Pro 5G एंड दिस फोन क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज इन द मार्केट एट द टाइम इट वॉज लॉन्च्ड, क्योंकि ये एक गेमिंग फोन की तरह ही लॉन्च किया गया था। इसके बैक पैनल पर अगर हम नजर डालें तो काफी गुड लुकिंग बैक पैनल के साथ ये आपको मिलता है, कुछ नथिंग फोन 1 जैसा इसका बैक पैनल लगता है। गेमिंग एक्सेसरीज के साथ ये आता है और एक कस्टमाइज्ड मिनी LED लाइट के साथ आता है जिसको आप टर्न ऑन कर सकते हो गेम खेलते वक्त। इसमें आपको 6.67 इंचेस का बड़ा सा डिस्प्ले मिलता है, AMOLED डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, प्लस इसमें आपको 900 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है और डिस्प्ले की बात करूं तो काफी स्मूथ है जो आपको गेम खेलने के टाइम पे काफी मजे दिलाता है। अब अगर मैं इसके चिपसेट की बात करूं तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 8050 मिलता है विद 8GB ऑफ रैम और 256GB का इसमें आपको स्टोरेज मिलता है। गेम्स की बात करूं तो इसमें मैंने दो गेम्स खेल के देखे, एसफॉल्ट 9 और दूसरा गेम है BGMI, दोनों को आप हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हो, 30 मिनट्स तक कोई भी हीटिंग आपको फील नहीं होगी। प्लस एक और प्लस पॉइंट है इस फोन का, वो है बाईपास चार्जिंग, विच मीन्स आप फोन को चार्जिंग पे लगाकर गेम खेल सकते हैं और फिर भी आपका फोन हीट नहीं होगा। एंड हियर कम्स आवर लास्ट फोन विच इज Realme Narzo 60 5G एंड दिस वन कम्स विद अ वेरी गुड लुकिंग बैक पैनल, ऑरेंज कलर के वेरिएंट में हमारे पास ये आया है और लेदर बैक पैनल से बना हुआ है। इन हैंड फील भी इसका काफी अच्छा है क्योंकि जो इसका फ्रेम है काफी बॉक्सी सा है, तो आपको गेम खेलने में काफी मजे आने वाले हैं इसमें। अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको 6.6 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, AMOLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, अगेन काफी स्मूथ रिस्पॉन्सिव है तो आपको गेम खेलने में काफी मजे आएंगे। अब अगर इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 6020 मिलता है विच इज बेस्ड ऑन ऑक्टाकोर प्रोसेसर और 8GB के रैम सपोर्ट के साथ ये आपको मिलता है। इसमें भी आप हाई एंड गेम खेल पाएंगे जैसे कि BGMI, एसफॉल्ट 9 इस तरह के गेम्स और हाई सेटिंग्स पे भी खेल पाएंगे। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है विद फास्ट चार्जिंग और आपकी बैटरी इसमें काफी मतलब 1-1.5 दिन तक चल जाती है। एंड दीज वर ऑल द फोन्स दैट आई कुड कैच ऑन। अगर आपको पता है तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं एक और वीडियो बना दूंगी। बाकी कीप वॉचिंग गैजेट टाइम्स, दिस इज वंशिका साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।